एवरीवन वेलकम बैक इन एग्री अपडेट। तो स्कोर कार्ड आने के बाद आप सभी को वेट होगा आपके रैंक कार्ड का, और रैंक वर्सेस कॉलेज को लेकर भी काफी सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। आई नो कि कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, ये सारे डाउट्स आप सभी के मन में क्रिएट हो रहे हैं। तो आज के स्टूडियो में पूरी ऑफिशियल डाटा के साथ, फिर से रिपीट करता हूँ, पूरी ऑफिशियल लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने रैंक पर किस डोमिसाइल स्टेट के लिए किस कैटेगरी में किस यूनिवर्सिटी में किस बच्चे को एडमिशन मिला है। ये पूरी ऑफिशियल डाटा होगी। तो पहली चीज़ ये कि अभी तक आपका स्कोर कार्ड आपको मिल गया होगा और अब आपको आगे की फर्दर प्रोसेस ICAR की काउंसलिंग वेबसाइट से करनी होगी, जिसका कोई भी रिलेशन NTA की वेबसाइट से नहीं रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि रैंक कार्ड कब आएगा, काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी। तो यार अभी देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ICAREXAM.NET, जो कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस मोड इन द थिंग्स कि आपका जो आगे का प्रोसेस है वो जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। आपका रैंक कार्ड रिलीज होने वाला है या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, वी आर करंटली अंडरगोइंग मेंटेनेंस, वी विल कम बैक वेरी शॉर्टली, सॉरी फॉर द इन्वेंसेस, ठीक है। तो आपका जल्द ही आगे कोई नया अपडेट आने वाला है। कल की डेट में फाइनल आंसर की रिलीज कर दी गई है, उसके बाद आपकी रैंक कार्ड और काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को देखना ऑफिशियली, ठीक है। और एक और चीज़ कि आप लोग को काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे आपको रैंक निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे आपको रैंक निकालना है, बट मैं जब तक ऑफिशियल रैंक नहीं जाती तब तक आपको रैंक नहीं बता सकता। कॉलेज आप शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, इस बार नॉर्मेशन प्रोसेस हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। अब ये शिफ्ट वाइज हुआ है या फिर ओवरऑल हुआ है, जो आपकी परसेंटाइल है वो शिफ्ट वाइज है या फिर ओवरऑल, ये चीज़ अभी आपको कोई भी क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। काफ़ी सारे लोग को मैंने देखा जो पेड काउंसलिंग लाए, जो कभी ICAR एग्जाम नहीं दिए हैं। अब बिलीव नहीं है आपको तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सर आपने ICAR एग्जाम दिया है तो फिर आप प्रूफ दिखाओ। अगर दे देंगे तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा यार। और मेरे पेड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे निगेटिव थिंग्स आ रहे हैं उनके, मैं आपको बता दूँ। आई एम ऑल्सो ICAR एस्पिरेंट एंड मैं खुद एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के अलावा कोई आपको और नहीं बता सकता कि ICAR की क्या है। आपको एक और चीज़ हिस्ट्री बता दूँ, जब नॉमिनेशन प्रोसेस की बात आई थी किसी ने भी साथ नहीं दिया था ट्विटर पे कि हम आपके लिए नॉमिनेशन के साथ हैं। एक सीनियर है हमारे, वो भी उनका भी यूट्यूब, तो उनके अलावा किसी ने भी साथ नहीं दिया था नॉमिनेशन के लिए। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद तमाम लोग अपनी पेड काउंसलिंग लेकर चले आए हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि काउंसलिंग कैसे होती है। खुद कभी उन्होंने ICAR एग्जाम नहीं दिया है, ना तो ICAR एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। बात की बात है, मैं कल आपको एक ब्रीफ वीडियो देने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, टू चेक प्रीवियस ईयर रैंक विद कट ऑफ एट विच एडमिशन वाज गिवन इन वेरियस कोर्सेज ऑफ AI UG PG SRM। एक चीज़ और आपको बता दूँ, सबसे पहले लास्ट ईयर मैंने इसकी अपडेट दी थी कि यहाँ से आपका ऑफिशियल रैंक कार्ड चेक की जाती है। ये ICAR की ऑफिशियल प्राइवेट वेबसाइट है, जहाँ से सभी एडमिशन, सभी कॉलेजेस की, सभी एग्जाम की आप कट ऑफ देख सकते हो लास्ट ईयर की, ठीक, ऑफिशियल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस इंस्टीट्यूट के लिए आपने एग्जाम दिया है। तो नॉर्मली आप ICAR के लिए एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस कोर्स के लिए आपने एग्जाम दिया है, जितने भी ICAR के अंडर में UG PG JRF SR के कोर्सेज चलते हैं सारी की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम चूज कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले UG BSC ऑनर्स एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट के लिए कौन से ईयर्स का कट ऑफ देखना है, आपको कुल दो ईयर का मिलेगा, 19 और 20 का। तो 2020 का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, लाइक मैं बात करूँ, पहले बात करते हैं ST कैटेगरी की, ठीक है। और आपको अपना यहाँ पे एक रैंक अपडेट कर लेना, ठीक है। रैंक आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका रैंक 200, 300, 500 कुछ भी चूज कर सकते हो, मतलब बस आपको एक चीज़ में आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे 240 कर लिया, ठीक, आप कुछ भी कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है, इसको फिलअप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी ICAR 2020 की, उस लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग कॉलेज वाइज, डोमिसाइल स्टेट के वाइज, कैटेगरी वाइज आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, सबमिट कर दीजिएगा। अब आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो गया। अब आप मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आपकी रैंक दी गई है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे ICAR NG Nanga एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ये राउंड फर्स्ट में आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स को ही 14,315 रैंक तक के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, एलिजिबल थे, है ना। वहीं बिहार डोमिसाइल स्टेट के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड में 13,057 रैंक तक के बच्चे एलिजिबल थे, ठीक है। ऐसे ही तमाम यूनिवर्सिटी है जहां पे आप अपनी रैंक देख सकते हो, ठीक है ना। ये है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, जो कि टॉप लेवल का कोर्स माना जाता है। अब यहीं बात करें हम किसी लो लेवल के कोर्स के लिए, तो बिलीव कीजिएगा मेरे दोस्त, आप 1,00,000 रैंक तक होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन वो टॉप लेवल का कोर्स नहीं होगा। लाइक अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा NDR पूरे इंडिया में एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में NDR टॉप लेवल कोर्स पे, लेकिन वहाँ पे PCM वालों का एडमिशन
240 मार्क्स तक हुआ है डेरी में। बिलीव कीजिए 240 मार्क्स तक, इतनी रैंक आप भी पता है आपका रैंक कहाँ जाएगा, आपका रैंक 1 लाख में आ जाएगा दोस्त। तो बात को मानिएगा, पेड काउंसलिंग उनका ही ज्वाइन कीजिए जो खुद ICR की पहले पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हो। मैंने आपके लिए ICR की सब कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट 2 ईयर से शेयर करता आ रहा हूँ और काफ़ी सारे लोग नई नई अभी ज्वाइन किए हैं यूट्यूब को और उनको सही से पता नहीं है, खुद स्टूडेंट हैं किसी और कोर्स के आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ICR की। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ इस बार 80 कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ और जो हमारा कोर्स होगा वो होगा डेरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है। तो अभी डेरी टेक्नोलॉजी की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको और लाइक बीटेक एजी की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो बायोटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आप लोग देख लीजिए, ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 2020, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं आपकी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए सबमिट करने पे ये प्रोसेस, अब देखिए आपकी रैंक देखिए, ठीक है। बात करें जहाँ यहाँ पे बीटेक एजी चलता है, तो पहली चीज़ ये कि लाइक आपका बीटेक एजी मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में, तो पहले राउंड में 60,691 रैंक तक के बच्चे एलिजिबल थे। आप ये देखिए डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ देवली में सेकेंड राउंड में जो 1-2 लिखा है ये आपका राउंड है, ठीक है। तो डॉक्टर बाला साहेब कृषि सावंत कोंकण विद्यापीठ देवली महाराष्ट्र में सेकेंड राउंड में 97,072 रैंक तक के बच्चे एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए। वहीं बात करें आप लोग फिर से इसको देखिएगा, यहाँ पे देखिए बीटेक एजी सभी जगह नहीं चलता है, तो जिस कॉलेज में चलता है ST कैटेगरी के लिए जहाँ पे सीट अवेलेबल है उन्हीं की लिस्ट शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग अपने कोर्स अकॉर्डिंग इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस रायचूर कर्नाटक की, पूरे इंडिया की, पूरे साउथ इंडिया की टॉप लेवल की कॉलेज है US रायचूर, ठीक है। थर्ड राउंड में बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पे 1,12,000 रैंक तक के बच्चे एलिजिबल थे एडमिशन के लिए, ठीक है। यानी कि इनका क्लोजिंग रैंक इन द सेंस कि आप लोग इस कॉलेज में एक रैंक तक के लिए पार्टिसिपेट किए थे और आपको कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यार ST कैटेगरी के लिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर ST कैटेगरी में आप हैं तो अगर आपका रैंक आ रहा है, आपका सॉरी परसेंटाइल आ रहा है 65 या 70 के ऊपर, ये ST कैटेगरी के लिए ओनली फॉर ST, ठीक है, 70+ आ रहा है, तो आप लोग जरूर काउंसलिंग कीजिएगा। कोई ना कोई कोर्स टेक्निकल कोर्सेज अगर PCM से हैं तो मिल जाएगा। PCM का एक और प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है कि PCM में काफ़ी सारे कोर्सेज एक्स्ट्रा एडिशनल हैं, लाइक बात करूँ डेयरी टेक्नोलॉजी की, फूड टेक्नोलॉजी की और बीटेक एजी की, तो इन सब की सीटेट काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें केवल PCM वाले ही एलिजिबल रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इनकी थोड़ी लो जाती है, ठीक है। तो PCM वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। और ये थी इन्फॉर्मेशन, आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी जो भी चीज़ है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करें मान लीजिए मैं एक और दिखा देता हूँ आपको आपके बिलीव के लिए, यहाँ पे बीटेक ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की, सॉरी BSc हॉर्टिकल्चर की 2020 की कट ऑफ है और इस बार दिखाने वालों कैटेगरी OBC या फिर जनरल की, ठीक है। मान लीजिए OBC की दिखा देता हूँ, तो आप लोग सबमिट कर दीजिएगा प्रोसेस को, आपके सामने आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा कितने रैंक तक। वहीं बात करें जैसे CAU इम्फाल की, तो 4,654 रैंक क्लोजिंग रैंक था बिहार के कैंडिडेट के लिए। शायद जो पेड काउंसलिंग करा ना उनको ये भी नहीं पता होगी कि सारे डोमिसाइल स्टेट की अलग अलग कट ऑफ बनती है। तो यार आप लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रहे हो ना तो देख के कीजिएगा। मैं व्हाट्सअप ग्रुप इसलिए बनाया हूँ कि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। आपकी जो काउंसलिंग हो रही है वो मेरे साथ पर्सनल हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करके केवल छोड़ दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, उनकी ओरिजिनलिटी रियलिटी आपको एक्सपोज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि मैंने क्या आपको इस वीडियो में शेयर किया है। अपने रैंक अकॉर्डिंग अपनी आप कुछ भी रैंक अगर आपको लग रहा हो कि इतना रैंक आ रहा है तो उस हिसाब से अपनी कैटेगरी और अपने ईयर और अपने एग्जाम को सब्जेक्ट को चूज करके इस वेबसाइट से आप अपनी ऑफिशियल डाटा चेकआउट कर सकते हो और ये ICR की ऑफिशियल लिस्ट है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो को बनाने कोई पर्पस नहीं था बट फिर भी आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू फॉर